अगर बीवी के पास जाते तो सेक्स का ही सोचते हैं? एक सवाल है अहमद अंकल, अहमद अंकल जरा वीडियो चालू करो ना, हमारी तमन्ना है आपको देखने की कसम से। देखो मैं आने वाले दिनों में वीडियो चालू करूंगा आपके साथ, और आपके साथ बात करने में भी मजा आएगा। चलो बहुत अच्छा लगा अहमद भाई आप आए, और सही में इंटरटेनिंग सेशन था आपके साथ। साहिल साहब एक चीज मैं बोलूंगा। अच्छा यार अहमद भाई एक छोटी सी बात करें, आपकी उम्र अंदाजन कितनी है? कोई 5 साल 6 साल प्लस है? 50 प्लस है? 50 प्लस है यार। अच्छा अच्छा अहमद भाई एक छोटी सी बात करता हूँ आपसे, लेट्स से आप 70 के हो गए, ठीक है, अब वो डिंग डोंग खड़ा नहीं हो रहा आपका, डिंग डोंग बेल हो गया वो, ठीक है, अब बताएंगे शादी छोड़ देंगे आप? देखो सुनो मेरी बात, क्योंकि शादी तो प्लेयर है, वो खड़ा नहीं हो रहा, प्लेयर कैसे करेंगे? सुनो मेरी बात, तुमने बूढ़े इस बुल को देखा है? नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा कि हर बूढ़ा जो है वो खड़ा नहीं कर सकता, मैंने कहा लेट्स से आपके साथ ऐसा हो गया 70 साल में, कुछ बुढ़े हो जाते हैं जो नहीं कर सकते, आप देखें कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ, एक इमेजिनेशन है, अगर हुआ तो आप बीवी छोड़ देंगे? सुनो मेरी बात, अगर मेरा हुआ, अगर मेरा, मैं सीधे आपके हाथ में दूंगा, देखो को ले सबूत। क्या मैं अगर 70 साल की उम्र में मेरा वो ना वो खंबा ठीक चलाना एंड खड़ा रहा, आपके हाथ में दूंगा, बोलूंगा ले। ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कहा अगर वो टिल्ला हो गया, कंडोया बन गया, कंचुआ बन गया, कंडोया बन गया, तो क्या आप अपनी बीवी को छोड़ देंगे? ये एक सवाल था, मेटाफोरिकल सवाल है। और सुनो ना मेरी बात, मेटाफोरिकल सवाल है सर। और सुनो ना ढीला हो गया, अरे ये प्लस हो रहा है यार, ये अंकल तो बड़े अंदर के निकले। जब होगा, जब होगा तो मैं तेरे हाथ में दूंगा यार, मेरे हाथ में दो या ना दो से फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे हाथ में दिया तो मैं काट दूंगा, मेरे हाथ में हर वगन। मैं भी पूछ रहा हूँ सर कि अगर ऐसा हुआ कि वो ना खंबा बन सका, अपनी बीवी को तलाक दे देंगे? पहले सुनना मेरी बात, एक से पहले नहीं, सर छोटा सा सवाल है सर, इसी के बाद सवाल दूंगा। चलिए एक सेकंड रुके, मैं आपको आसान सवाल दे देता हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे, रुक जाए एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाए, सवाल समझे। लेट्स से गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, ठीक है, कल आपका एक्सीडेंट होता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक एक एग्जांपल है फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, उसमें आपका ये कट जाता है, कट गया, टूट गया, कट गया, आप अपनी बीवी को तलाक दे देंगे? क्योंकि अब आप तो प्लेजर नहीं दे सकते उसे। सुनो मेरी यार, वो मैं तुमको भेज दूंगा, कोई बात नहीं, तू परेशान मुझे भेजना यार, भेजना उसकी बात नहीं है, बीवी को तलाक देंगे नहीं देंगे उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये तेरा काम हो जाएगा, सुन यार एक बात सुन, डोनेट करूंगा तुमको यार वो ये सुपर चैट, फिर वही बात यार, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बीवी, सवाल कुछ हो रहा है, जवाब कुछ हो रहा है, तुमको भेज दूंगा, सुपर जवाब नहीं देने वाले, आई थिंक वी आर ऑलरेडी डन, हमें दूसरे भाइयों को भी मौका देना है। टेक केयर, बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, यू टू, बहुत शुक्रिया अहमद अंकल, कभी आपका चेहरे के दीदार भी कराना। क्या करो क्या करो, कुछ नहीं सर, बाय बाय करें आप, नहीं नहीं 70 साल में आऊंगा, हाथ में अरे बस यार, बस चलो, अहमद अली अहमद सर बहुत बहुत शुक्रिया, ओह बहुत कॉमेडी सेशन था। मीनवाइल ताहिर भाई आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, बहुत एंटरटेनमेंट जैसा है यार। ताहिर भाई आ गए, ताहिर भाई हेलो वेलकम यार। शुक्रिया शुक्रिया भाई, किसी ने कमेंट भी किया था कि इस पे ना एंटरटेनमेंट टैक्स कटेगा चैनल के ऊपर में। अरे बाप रे। अच्छा हमारे साथ और भी मुस्लिम है, लेट्स डू अ सीरियस डिस्कशन नाउ, जो आज का टॉपिक है। आई होप कि हमारे जो दूसरे मोमिन भाई हैं उनके पास कुछ सॉलिड आर्ग्यूमेंट होगा। अब्दुल हक साहब सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। हाँ आपके पास आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है। 16 आने। हाँ मैं दरअसल मुता के बारे में तो बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। पहले ही बता रहा हूँ भाई, हंस क्यों रहा है इतना? बरेलवी कोई मैं इस तीन चीजों को नहीं मानता मैं दरअसल। अच्छा सुन्नी है ना? लेकिन हाँ वैसे फिलहाल एक सुन्नी फैमिली में ही पैदा हुआ हूँ,
हाँ, तो सवाल मेरा ये है, जैसे कि जिस तरीके से आप इस्लाम के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, लगातार इसी पे उंगली उठा रहे हो, अगर आप एथिस्ट हो तो आपका हक बनता है कि आप सभी के ऊपर क्वेश्चन करें, अगर एथिस्ट हो तो मैं समझता हूं कि आपको सब पे सवाल करना चाहिए, सिर्फ इस्लाम पे ही क्यों, बताएं। क्योंकि इस्लाम में कत्ल वाली जो आइडियोलॉजी है ना भाई, है ना, जो जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, बाकी जब बाकी सब मजहब जो है वो तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, जो तो ये काफिर तो है दूसरे वो मजहब ही बहुत, सोचते हैं सुनो भाई। सुनो मेरी बात सुनो, जो हाँ, सुन काफिर रहा है हूँ। वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, गैर मुसलमानों को अपना दोस्त या वली ना बनाओ, सपोर्टर ना बनाओ, अपने राज उनके साथ शेयर ना करो, ये जो आइसोलेशन करता है ना इस्लाम, हाँ, सुन रहा ये बड़ा हूँ। प्रॉब्लमेटिक है। नहीं तो यार, ये देखो, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अगर तुम्हें लग रहा है इस्लाम में ये फॉल्ट हैं, दूसरे धर्म में ही फॉल्ट हैं, इसे बहुत सारे हाँ फॉल्ट ठीक हैं। है, तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो एंटी क्रिश्चियन है, एंटी हिंदू है, बहुत सारे चैनल्स हैं, तो अगर आपको दूसरे रिलीजन में क्या क्या खामी अगर देखना है तो आप उन चैनल पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा, नहीं, कोई अगर आप मुश्किल नहीं एथिस्ट हो है। तो यार, आप एथिस्ट हो तो आपके ऊपर भी तो हक बनता है कि सर आप देखिए, दूसरे दूसरे धर्म में कोई आप फॉल्ट है तो कभी आप इस पे बात सर करें। एक सेकंड, यहाँ पे छोटा सा सवाल करूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा आपको। आप ऐसा हाँ कीजिए, सर, आपने कभी एंटी हिंदू चैनल के ऊपर जाके क्या है? आप सिर्फ एंटी हिंदू क्यों हैं मैंने एंटी हिंदू को चैनल देखा ही नहीं इस टाइप का अभी सर? तक, हजारों चैनल एंटी हिंदू बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई एक बैठा हुआ है? जैसे अच्छा, जैसे नाम कहीं बताएं। बैठे हुए हैं ना सर? मैं एंटी हिंदू चैनल पे जाता, आप सर्च कर ले यार, लाइव चैट में लोग बता साइंस देंगे, अभी जर्नी आपको स्क्रीन पे ढूंढ दिखा ले, देंगे। साइंस एक जर्नी ढूंढ दूसरी ले, साइंस है, रुक रियलिस्टिक रुक, नाम सुने जाएगा। आयर भाई बता रहे हाँ, हैं? बताओ नाम, तेरे सुन रहा हूँ, बताओ। हाँ, ह्यूमन विद साइंस ह्यूमन है, ह्यूमन विद विद साइंस साइंस। है, बहुत सारे चैनल्स है यार, तो आप सिर्फ देखो ना, एक्सपोज हिंदुइज्म लिख दो यूट्यूब पे, आपको कई सारे चैनल मिल जाएंगे, आपके खुद मोमिन भाई भी बहुत सारे कंटेंट बनाते हैं, अब बात यह तो है सर, फिलहाल मेरे सामने जब है नहीं है, आप आप लोगों के चैनल ऐसा, आते हैं, आप मैं ये आप देखिए लोगों को सर, देखता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप यहाँ पे आके हमें कह रहे हैं कि एंटी हिंदू चैनल भी चलाओ, एंटी कुछ और चैनल भी नहीं नहीं चलाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब मैं ये नहीं कह सुने रहा हूँ सुने भैया, मैं सुने तो ये कह सुने रहा हूँ। सुने सर, सुने हाँ देखिए, आपके पास एक्स मुस्लिम बैठे हुए हैं, ये ठीक है, हाँ एक्स हम मुस्लिम एक्स है, मुस्लिम हैं। ठीक है अगर ठीक है। अब जो वहां पे जो चैनल चला रहा है उसने कोई हिंदुइज्म पढ़ा होगा तो उसके बारे में चला रहा है ना, वरना हवा में हिंदुओं को बुरा तो नहीं कह सकते ना? हिंदू बहुत बुरे हैं, हिंदू बहुत बुरे हैं, हम ये चीजें मारना शुरू कर दें? नहीं, यहाँ पे यार एक बात सुनो, ये तो सबको पता है कि नहीं, हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है, अगर हिंदू, मैं एक स्पेशल एक हिंदू की बात कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ मैं, कि भाई यहाँ पे इनके चार वर्ण है, मतलब पता ब्राह्मण, नहीं चार सर, देखिए क्षत्रिय, चार वर्ण हो सर, वैश्य, देखिए शूद्र देखिए हैं, और उनकी क्या कितनी बड़ी कंडीशन सर, है, एक क्या सेकंड, मैं आपको आपको बताता दिखाई हूँ नहीं कितनी देती? कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ कितनी बड़ी हाँ कंडीशन है इस वक्त। आप हाँ इंडिया में बताएं रहते हैं? बताएं। इंडिया हाँ, और कहाँ रह रहा हूँ, विदेश में थोड़ी नहीं। में रहते हैं। अच्छा, इंडिया में मुझे हाँ बताएं, यूनिवर्सिटीज के अंदर छोटे जो कास्ट सिस्टम थे उनकी इस वक्त कितनी परसेंटेज है फॉर गेटिंग इन टू द यूनिवर्सिटी? क्या उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई है इस वक्त हाँ स्पेशल यूनिवर्सिटी और प्रिविलेज कॉलेजों मिली में भी जाने के लिए? है, हाँ मिली है, हुई है, मिली हाँ हुई है, मिली हुई राइट? है, हाँ हाँ ओके, है, अच्छा, उनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई है? हाँ मिली हुई है, ओके, ये कब शुरू मैं हुआ ये नुकसान उठा मिलना चुका हूँ, सर? एक मैं सेकंड, नुकसान कब उठा कब चुका हूँ। आप हाँ नुकसान उठा चुके हैं? इसी वजह हाँ से, क्योंकि हाँ वो जॉब जो रिजर्वेशन की वजह आपको से, मिलनी चाहिए थी वो उसका कोटा छोटे कास्ट वालों के लिए था, करेक्ट? हाँ करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब है कि हिंदुइज्म में इंडिया में जो सोशल कास्ट सिस्टम ये सारा कुछ था उसको खत्म करने के लिए इस एरिया में एक मेजर रिफॉर्मेशन आई, और उस रिफॉर्मेशन के अंदर जो कुछ छोटी कास्ट वगैरह थी उनको बचाने के लिए और उनको वापस ऊपर लाने के लिए और बराबरी देने के लिए इंडिया ने स्पेशल एक्ट्स डाले हैं। क्या इस्लाम ये सारा कुछ करने के लिए कुरान से निकाल सकता है कि जो नॉन मुस्लिम है, इन्नमल मुशरिकून अल नजिस, क्या ये आयत कुरान से निकाली जा सकती है? तो मुझे इसका मतलब भी नहीं पता। कि जो तमाम नॉन मुस्लिम हैं वो नजिस हैं, पोटी हैं, पुपू हैं, टट्टी हैं? पॉटी तो नहीं था ये, शायद मैंने पढ़ा था कहीं पे, तुम्हारे कहने से पढ़ा था मैंने, पॉटी तो नहीं लिखा है। नजिस शुक्र है कि आपने पढ़ लिया था। नजिस का क्या मतलब होता है? मतलब गंदी चीज, एक तरीके से गंदी नापाक, चीज, नापाक चीज, टट्टी नापाक। नापाक हाँ होती है, नापाक, तो नापाक तो बहुत सारी चीजें होती है, सबसे टट्टी चीज छिपकली में तुम नापाक क्या होती सकते है, हो। छिपकली जैसे नापाक होती है देखो भाई, कुछ जैसे मान लो सर, सुअर छिपकली नापाक होता होती है, है। हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी। ऐसी चीज जो कि इतनी नापाक हो कि उसको हाथ लगाने के बाद आपको हाथ धोना पड़े,
क्या पता ये कहते इसके बारे में ये भी मैंने दिखाया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने ये भी दिखाया था, दोबारा दिखा दूं? सुनो सुन लो सुन लो, मैंने देखा था उसका, मैंने पढ़ा तो उसमें ये भी था कि इंसान मतलब इरादों की वजह से भी नापाक होता है ना, जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से गंदे ऊपर आप से किसी मतलब भी मुसलमान को हाथ मिलाने के ऊपर आपको हाथ धोने नहीं पड़ेंगे चाहे वो मुनाफिक ही क्यों ना हो, कहीं पे नहीं लिखा। लेकिन एक नॉन मुस्लिम को, एक हिंदू को, एक क्रिश्चियन को हाथ मिलाने के बाद आपको हाथ धोने या सुलन बताइए क्यों? और उनके उनके हाथ की बनी पकौड़ी, उनके हाथ की बनी कचौड़ी, उनके हाथ की चाट, उनके बने हुए खाने, अगर आप खा रहे हैं मुसलमान मौलाना खा रहे हैं, मौलाना मैं नहीं, मैं तो एक आम इंसान हूं, मौलाना खा रहे हैं जो रेडीमेड फूड है, मैं बताने लगा हूं बनाए हुए हैं हजरत, मेरी एक वीडियो है, मैं हजरत मैंने अल्लाह मियां को टेलीफोन किया था, सुने एक वीडियो है मेरी, उसमें मैंने अल्लाह मियां को टेलीफोन किया था, और वो टेलीफोन मैंने ऑब्वियसली मजाकतन ही किया था, लेकिन उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरीके से मेरी फैज आलम के चैनल पे उसने कटिंग डाल के डाली हुई है, फैज आलम के चैनल पे जाएं, उसने मेरी उस लाइव स्ट्रीम की कटिंग अपने चैनल पे डाली हुई है, फैज आलम द ह्यूमनिस्ट, ठीक है, उसने उसकी कटिंग डाली हुई है, मैंने उसके अंदर यही दिखाया हुआ है कि इंडिया में रहते हुए आप क्या कुछ आपको एक्सेप्शनली अलाउड है, क्योंकि आप अंडर पावर्ड है, जिस वक्त आप पावर में आ जाएंगे तो कुरान की चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 35 इंप्लाई होगी, और फिर उसके बाद 928 अप्लाई होगी, 923 अप्लाई होगी, 975 अप्लाई होगी, और ये सारा ये बताओ 56-57 कंट्री है मुसलमानों के, ठीक है, इस टाइम में जो कंट्रीज है ज्यादातर जो बुरी कंडीशन वाले यहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़े फैल रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे, सारे मुसलमान कंट्रीज है जहाँ पे लड़ाई झगड़े फैल रहे हैं। मैं आपको बताऊं एक बात, अगर पूरी दुनिया से हर दिन खत्म हो जाए, तुम ही कह रहे हो ना मार, तुम कह रहे हो ना मार, तुम ही कह रहे हो ना, तुम ही बात सुनो 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 सुनो, नहीं ये सेंटेंस बोलने दे आखिरी, फिर आप बोलते रहना, मैं उसको म्यूट करके जाने लगा हूं। ठीक है ठीक है, पूरी दुनिया में अगर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो जाए, हर धर्म खत्म हो जाए, तब भी अमन नहीं आएगा, तब मुसला मुसले की गर्दन काटेगा, आज भी काट रहा है तब भी काटेगा, ये रियलिटी है सर, मेरी तरफ से डन डन है, ठीक है, तुम्हारी बात होगी पूरी। अब जैसे मैं जो कह रहा था तुमसे भी, तुमसे मैंने, तुमने कहा कि भाई मुसलमान मार रहे हैं कत्ल कर रहे हैं, भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर मुसलमानों के जो मुल्क माने जाएंगे तो सऊदी अरब है, यहाँ से हिंदुओं को बुला रहा है, विदेश से मतलब अंग्रेज भी आ रहा है वहां पे, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई मास्टरी कर रहा है वहां पे जाके, सारे काम तो कर रहे हैं, आप करो कत्ल कर रहे हैं, वहां पे यहूदी भी थोड़े बहुत हैं, ज्यादा नहीं तो कम परसेंटेज है उनका, दूसरे देशों में भी ऐसा ही है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि मुसलमानों मतलब, हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रहा है ना, जी जी आपकी आवाज आ रही है, हाँ आप कह रहे हो कि मतलब कि अगर जहाँ पे मुसलमान ज्यादा हो जाए कत्ल कर देंगे, भैया कहाँ पे इतना ज्यादा कत्ल कर दिया, हाँ कन्वर्जन तो हो सकता है ऐसे, जो इराक देखिए, सीरिया देखिए, अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान देखा, अफगानिस्तान देखा, अफगानिस्तान में क्या था भैया ऐसा, अफगानिस्तान में भाई अमेरिका वालों ने कब्जा कर लिया, उन्होंने अपना अमेरिका वालों से मतलब लड़ाई लड़ी वापस ले लिया, हाँ अब आप भी कह सकते हो कि भाई वहाँ के लोग ही भाग रहे भाई, देखते हो न्यूज़ नहीं देखते हो, हाँ देखा देखा न्यूज़ देखा, तुम्हारी न्यूज़ वाली बात पे मुझे एक बात याद आ गई, जैसे सेक्स लेवल की बात हुई, चलो ठीक है, मैंने मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मैंने देखा भी अभी प्रेजेंट में देखा, रशिया यूक्रेन वार में ईसाई ही ईसाई औरतों के साथ में रेप कर रहे हैं, कांस फिल्म महोत्सव होता है वहां पे देखें तो यूक्रेन की एक लड़की आधी नंगी होती है और कहती है नो रेपस, ठीक है आप कहते हो कि जब मतलब जंग होती है वार होता है तो कोई दूसरा जो जीतते वो होते हैं वो रेप नहीं करते हैं, और हम प्रेजेंट में देख रहे हैं भैया रेप होते हुए, हम प्रेजेंट में देख रहे हैं, और शायद तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुमने एक बार भी अभी तक ये कंडम नहीं करा है कि हाँ भैया यहाँ पे गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा अब्दुल हक साहब, आपने नहीं किया कंडम, हाँ आपको कंडम नहीं किया तुमने, बताओ अच्छा आपको एक ईसाई मुल्क नजर आ गया, अभी गिनाने बैठूंगा तो 20 मुस्लिम कंट्री शायद गिना दूं जो पता नहीं कब से भिड़ते आए, करने वाली बात नहीं हो रही है, यही कह रहे थे कि अच्छा, लड़ाई होती है, सुने सुने हाँ, मेरी बात सुनिए अब्दुल हक साहब, एक्चुअली हाँ, हम लोग टॉपिक से हटके जा रहे हैं, टॉपिक पे आपको क्या कहना है, इस्लाम जो है वो मुता का जो रसूलुल्लाह ने हजरत मोहम्मद साहब ने जो मुता अलाउ किया था टेम्पररी मैरिज, उन्होंने 3 घंटा, सुन लो मेरी बात सुन लो भाई, 3 घंटे से 3 दिन का अगर आप समय पकड़े कि एक जिसको जो है वो सहाबा को उनकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो थम नहीं रही थी, रोक नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जब रसूलुल्लाह से आके दरियाफ्त किया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि जाके मुता आपके लिए अलाउड है, आप जाके करो, जो कि एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसा है, यानी 3 दिन के लिए आप एक रकम
या एक गिफ्ट कपड़ा इपड़ा हाँ ये मुझे बता सुन यार मैंने कोई चुका ये बात में हाँ तो इसके बारे में बताऊँ मैं अब जो जब जो मैंने आपसे सुना है थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा आज ही चेक करा था थोड़ा सा मैंने तो उसमें मैंने ये देखा कि ये एक बात तो मुझे अभी पता चली कि ये जो जो निकाह मुता था ये पहले से ही मतलब मोहम्मद साहब के जो दीन फैलाया उन्होंने उससे पहले से ही ये चीज वहां पे चल रही थी उस पे ऐतराज नहीं है पहले से सुन ले सुन ले सुन ले मेरी बात सुन लो पहले सुनो सुनो मेरी बात सुनो पहले जो है वो मूर्ति पूजा भी होती थी क्या हजरत मोहम्मद साहब ने और सहाबा ने मूर्ति पूजा की तो एक बात तो सुने क्या एक इंसान में सारे हो सकते हैं अगर एक चोर होता ना सुने सुने एक अगर चोर होता ना तो चोर के अंदर भी कोई ना कोई खासियत होती है और कोई बहुत अच्छा इंसान होता है कोई ना कोई बुराई होती है तो अगर कोई कोई भी रिलीजन ले लो क्या किसी रिलीजन के अंदर सारी बुराई है क्या हाँ अब देखें क्या कोई भी रिलीजन है चाहे वो हिंदू हो इस्लाम हो या कोई सा भी मजहब हो क्या उसके अंदर सारी बुराइयां हैं ये सारी अच्छाइयां हैं अगर आप जैसे अगर एथिस्ट कह रहे हो अपने आप को तो अगर एथिस्ट होगे तो आपको दूसरे धर्मों में भी कुछ ना कुछ बुराइयां नजर जरूर आएंगी और एथिस्ट नहीं हो सिर्फ अर्निंग करना है तब तो कोई बात नहीं है इसमें आप ये मान रहे हो कि इस्लाम में बुराइयां हैं जैसे कि अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मैं सर्च कर रहा हूं मैं जैसे कि लेकिन मुझे तब भी बुराई मानते हो सुनो मेरी बात अगर आप एक भी बुराई मानते हो तो आप इस्लाम के दायरे से ऑटोमेटिकली निकल जाते हो बुराई नहीं क्वेश्चन सर्च करना जैसे उसने मैंने मौलाना बाजदी का देखा था तो वो कहते थे आपके मन में क्वेश्चन हो सकते हैं तो आपके बारे में सर्च करूं लेकिन अब तभी अभी आप बुरा मतलब काफी नहीं मान जा सकते सर्च करना गलत नहीं है आप सर्च करिए देखिए उसमें आपको बुराई नजर आती है क्या नहीं आती है मुझे बताइए कि ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन रसूलुल्लाह ने क्यों अलाउ किया जैसे उस टाइम में भाई बहुत लंबा लंबा टूर होते थे एक एक साल दो दो साल तीन तीन साल के तो अगर कोई मतलब कुछ कुछ लोगों की भाई सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई होती है कुछ की लो होती है नहीं क्या सबके सब एक से होते हैं क्या कुछ लोग तो रेप तक कर देते हैं कुछ लोग तो रेप तक कर देते हैं भाई सेक्सुअल डिजायर कंट्रोल नहीं कर पाते रेप कर देते हैं मेरे भाई रुको जरा अगर मेरी सेक्सुअल डिजायर अगर बहुत ज्यादा है तो मैं जाके प्रोस्टिट्यूशन मतलब प्रोस्टिट्यूट के पास जाके अपनी सेक्सुअल डिजायर जो वो पूरी कर सकता हूँ मतलब है ना लेकिन इसमें प्रोस्टिट्यूट का वाला काम थोड़ा ना है क्या नहीं है एक तुम तीन घंटे के लिए तीन दिन के लिए किसी के साथ जो है वो शादी कर रहे हो ये मतलब वहां पे पूरा फिक्स है कि हमारी शादी जो है वो तीन दिन के लिए ही है और वहां इसके बाद चले मकसद है वो आपकी सेक्सुअल डिजायर पूरी करना है और उसके लिए आप उसको कपड़ा या कोई गिफ्ट दे रहे हो सामने वाले को तो ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं हुआ तो क्या हुआ आप दोनों में मुझे फर्क बता दे प्रोस्टिट्यूशन और शायद हाँ सुन ले भाई मैंने थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया उसमें मैंने इतना ही पता चला मुझे कि ऐसा ऐसा है और अगर इसमें साथ में एक बात और भी शायद मैंने पढ़ी थी कहीं पर कि अगर मतलब मुता निकाह होता है तो अगर वो लोग चाहें उनको अगर ज्यादा मतलब एक दूसरे में अगर इंटरेस्ट आ जाता है एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं तो वो उसको लाइफ टाइम के लिए भी कर सकते हैं ठीक है क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते मतलब उस शादी को बरकरार रख सकते हैं हाँ तो ठीक है वो तो प्रोस्टिट्यूट के साथ भी आप कर सकते हैं कोई प्रोस्टिट्यूट आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाए वो आपके साथ शादी करने के लिए रेडी है तो वो भी कर सकती है बात वो नहीं है बात ये है कि ये इसमें और प्रोस्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको इसमें सबसे मेन डिफरेंस तो ये है कि एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है उसके पास पर डे कस्टमर होते हैं ठीक है एक बात हो गई मतलब पर डे उसके पास कस्टमर आते हैं अलग अलग कस्टमर आते हैं उसके पास में और वो मतलब उनका उनकी इनकम का जो मेन सोर्स होता है वो यही होता है इससे ही खाना कमाना होता है उनको सब कुछ इसी से करना होता है ठीक है ऐसा ही तो है और इसमें शायद इस देखिए आप एज अ जो कस्टमर है वो और जो मुता कर रहा है ये दोनों का जो मकसद है और जो फायदा उठा रहा है उसमें कुछ डिफरेंस है दोनों का जो है वो जैसा यहाँ प्रोस्टिट्यूशन से फायदा उठाता है वैसा वो आप मुता से फायदा उठा रहे हो अच्छा मुझे सिर्फ एक लास्ट बात बता दो क्या आप अपनी बहन का मुता करना पसंद करेंगे तो एक बात सुनो तो जो मुता करता होगा कोई भी मुता कर रहा है अगर तो लड़की जो होगी या औरत जो भी सही उसकी मर्जी होगी तभी तो होगा या घर वाले चाहेंगे तभी तो होगा आप अपनी उनकी रिक्वायरमेंट सुनो मेरा सवाल स्पेसिफिक सुन लो क्योंकि बात फिर वहीं पे घूमते जाएगी बस हमको ये जानना है कि ये प्रोस्टिट्यूशन के सिमिलर है या नहीं और दूसरा क्या आप अपने घर वालों के लिए पसंद करेंगे क्या आप अपनी बहन के लिए पसंद करेंगे कि उसका मुता किया जाए
यानी उसके लिए मतलब कोई एक इंसान है बाहर से आ रहा है, उसकी सेक्सुअल डिजायर काफी हाई है और वो जो है आपकी बहन के साथ 3 दिन का या 3 घंटे का जो है कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है, उसके बाद अपनी चाहत पूरी करने के बाद वो उसको छोड़ दे, फिर समझो 2 हफ्ते का या 3 महीने का या 4 महीने का भी हम मैक्सिमम अगर ड्यूरेशन ले ले, उसके बाद फिर दूसरा कोई सवाल ही आए सेक्सुअल डिजायर के साथ और वो मुता करना चाहे, कुछ गिफ्ट दे दे, कुछ डिजाइनर वेयर दे दे आपकी बहन को और फिर वो मुता करे, क्या आपको ये पसंद आएगा अपनी बहन के साथ? अच्छा, तुम्हें ये पसंद आएगा तुम्हारी बेटी के साथ में कोई मतलब गर्लफ्रेंड बनाए? नहीं नहीं, सुनो गर्लफ्रेंड बनाए तुम्हारी बेटी को कोई? सुनो तुम उस दिन गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत बात कर रहे थे, तुम्हारी बेटी को गर्लफ्रेंड बनाता है, ठीक है, फिर उसको प्रेग्नेंट कर देता है, तुम्हारी बेटी को, तुम उस दिन गर्लफ्रेंड के बारे में कह रहे थे गर्लफ्रेंड बनाना जायज बता रहे थे ना तुम उस दिन, तो तुम्हारी बेटी के साथ में तुम कह रहे थे गर्लफ्रेंड बनाना मतलब जायज है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी बेटी को गर्लफ्रेंड बनाता है तुम कह रहे थे एक दिन, तुमने कहा तुम्हारी बेटी शादी फिर कोई सेक्स करता है, फिर तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसके साथ में कोई इसको अबॉर्शन करा देता है, फिर वो उस, हाँ भाई एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो, कहाँ कौन सी ट्रैक पे चले गए आप, कौन सी लाइन में आ गए? तुमने जिस लाइन में बात की उसी लाइन पे वो बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम, तुम बहन को बात करोगे तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। पहले आप ये बताओ कि आप अपनी बहन के साथ मुता कराना पसंद करेंगे, उसके बाद हम बहन पे भी जाएंगे। तुम अपनी बेटी के साथ गर्लफ्रेंड बनाना पसंद करोगे दूसरों को? करोगे? जाएंगे भाई, करोगे? क्यों जाएंगे? भड़कते क्यों आप लोग? नहीं तो तुम क्यों सुनोगे? तुम भी वही बात, मैंने अभी ना तो जायज किया ना मैंने नाजायज किया तुमसे, लेकिन तुमने मतलब मिसाल और एग्जांपल कैसे लिया अभी? मैंने क्या कहा? मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, जितना बता था मैंने उतना बता दिया, अब तुम उसके बाद में तुम मेरे ऊपर लेके कैसे आए तुम? भाई मैं म्यूट किया आपको क्योंकि इतना दोनों जन एक साथ अगर बोलेंगे तो सर दर्द होने लगेगा। साहिल भाई आपकी आवाज भी कम आ रही थोड़ी। आवाज कम आ रही है मेरी? हाँ थोड़ी कम आ रही थी आवाज। यार ये क्या मुसीबत है, माइक का सेटिंग समझ भी नहीं आ रहा है। अभी भी ठीक नहीं है? अभी ठीक है थोड़ा।